एक जंगल में एक पेड़ पर एक मैना रहती थी। कुछ समय बाद वहाँ एक तोता रहने आया। तोते ने मैना से कहा, मैना, क्या तुम मुझे अपने घर में रहने की जगह दे सकती हो? मैं यहाँ नया आया हूँ, यहाँ मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तोते दोस्त, मैं भी यहाँ कुछ दिन पहले ही आई हूँ। हम दोनों को यहाँ कोई दोस्त नहीं है। यदि तुम यहाँ कुछ मित्र बना लेते हो तो मैं तुमको अपने संग रहने दूंगी, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो मित्रों का ही सहारा होता है। तो जाओ, पहले कुछ मित्र बना कर आओ। मैना की यह बात सुनकर तोता मित्र बनाने के लिए सबसे पहले नदी किनारे रह रहे कछुए के पास गया। कछुए दोस्त, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं मुसीबत में तुम्हारे काम आऊंगा, और यदि मुझे कोई मुसीबत पड़ी तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? कछुए ने तोते से दोस्ती कर ली और मुसीबत में उसके काम आने का वादा भी किया। तोता कछुए को अपना मित्र बनाकर वहां से उड़ गया और वह सीधा एक चिड़िया के पास पहुंचा। चिड़िया दोस्त, मैं और मैना जंगल में नए आए हैं, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? हम समय आने पर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम भी हमारी मदद करना। चिड़िया ने तोते की दोस्ती स्वीकार करी और तोता वहां से उड़ गया। अब तोता सीधा मैना के पास पहुंचा और उसने मैना से कहा, मैना, जैसे तुमने मुझसे कहा था, मैंने दो लोगों को अपना दोस्त बनाया है, चिड़िया और कछुआ। क्या अब तुम मुझे अपने घर में रहने दोगी? हाँ हाँ, अब तुम मेरे संग रह सकते हो। तोता और मैना अच्छे दोस्त बन गए। कुछ समय बाद मैना ने दो अंडे दिए। तोता मैना से बोला कि मैना, अब हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। ये घर हमारे लिए छोटा होगा। चलो जंगल में चलते हैं और अपने लिए नया घर तलाशते हैं। वह दोनों जंगल में नया घर ढूंढने निकल पड़े। तभी वहां पर दो शिकारी आ गए। उन्होंने तोते के घोंसले में अंडे देखे और सोचने लगे कि बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, चलो इन अंडों को ही पका के खाया जाए। वह दोनों जंगल से लकड़ी लाए और उन्होंने आग जला दी। अब जैसे ही वह अंडों के लिए पेड़ की तरफ जा रहे थे, तभी चिड़िया ने उनको देख लिया और वह नदी से पानी भरकर लाई और उसने आग में पानी डालना शुरू कर दिया। चिड़िया बार बार आती, आग में पानी डालकर चली जाती। उसके लगातार प्रयास से आग बुझ गई। इससे पहले कि वह दोनों दोबारा आग जलाती, चिड़िया कछुए के पास पहुंची और कछुए से बोली, कछुए दोस्त, दो शिकारियों ने हमारे दोस्त तोते के घर में हमला कर दिया है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम जल्दी पानी से निकलो और कुछ करो। कछुआ बिना डरे पानी से निकला और आदमियों के पास जाकर खड़ा हो गया। वह दोनों सोचने लगे कि अरे वाह, इतना बड़ा कछुआ, ये तो हमने कभी नहीं देखा। चलो इसे बेचकर पैसा कमाएंगे। उन दोनों ने उस कछुए को बांध दिया, मगर कछुआ बहुत ताकतवर था। उन दोनों ने कछुए की रस्सी तो पकड़ ली, मगर कछुआ उन्हें खींचता हुआ नदी तक ले आया। अब वह दोनों यह सोचने लगे कि यदि वह रस्सी नहीं छोड़ेंगे तो वह नदी में डूब जाएंगे। इसलिए उन दोनों ने रस्सी को छोड़ दिया और कछुआ पानी में चला गया। वह दोनों इतना थक गए कि वह वापस जंगल में नहीं जा सकते थे, इसलिए वह अपने घर वापस चले गए। तोते और मैना ने नया घर ढूंढा और वहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे हुए, लेकिन वह अपने दोस्तों का एहसान कभी नहीं भूले। इस तरह तोते के मित्रों ने मैना के अंडों की रक्षा करी। तो देखा दोस्तों, दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमेशा दोस्ती करें और दोस्तों का साथ दें।